राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लेने पाकुड़ पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां 53,946 लाभुकों के बीच 158,35,05,000 रुपए की परिसंपत्ति का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने 545 करोड़ रुपए की राशि से 27 योजनाओं का शिलान्यास एवं 21 करोड़ की राशि से 42 योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन किया। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई एवं आने वाले दिनों में किए जाने वाले विकास कार्यों को लोगों के बीच रखा कि हम लोगों ने इस बार ऐसी कार्य योजना बनाई और ऐसा उत्साहवर्धक हमने कर्मचारियों का किया कि आज कर्मचारी कोई पैदल जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल में जा रहा है, कोई ट्रैक्टर में जा रहा है, कोई गाड़ी में जा रहा है, जेरोक्स मशीन, फोटोकॉपी मशीन, कंप्यूटर लेकर के शिविर में बैठा हुआ है। मैंने तो बोल दिया ये बात, मैं इस पंडाल में बैठे लोगों से ये जानना चाहता हूँ, आपकी तरफ से मैं आवाज सुनना चाहता हूँ, क्या गांव में शिविर लग रहा है कि नहीं? पंचायत पंचायत शिविर लग रहा है कि नहीं? चलिए, बहुत खुशी की बात है और ये उत्साह देखकर हमारे विपक्षियों का पेट में दर्द चालू हो गया है और इतना दर्द चालू हो गया है कि बेचारे कोई मुद्दा नहीं मिला तो धरना में बैठ करके हल्ला गुल्ला करने पे लगे हैं ताकि पेट का दर्द कम हो सके। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ग्रामीण इलाकों के लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में विकास और कल्याणकारी योजनाएं न केवल धरातल पर पहुंच रही बल्कि गरीबों मजदूर किसानों का उत्साह भी बढ़ा, जिसे देखकर विपक्षी दल का पेट दर्द हो रहा है। सीएम ने कहा कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार जन कल्याण की काम कर रहे हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं तो हमारे विपक्षियों को खलबली मचा हुआ है, एक एक प्रकार सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र सरकार बनने के दिन से ही चल रहा है, जिनके डीएनए में महाजनों का खून बसा हुआ है, इन लोगों ने सदियों से शोषण किया, आज हमारे गरीबी अर्थव्यवस्था को कैसे चौपट किया ये किसी से छुपा नहीं है। इस राज्य में 80% लोग खेती बाड़ी किसान प्रवृत्ति के लोग हैं, आज तक उन किसानों की शुद्धि नहीं ली गई, 20 वर्षों में इन लोगों ने मात्र 9,00,000 किसानों को चिन्हित किया एसीसी के माध्यम से 20 वर्ष में, लेकिन वही हम लोगों ने 3 साल के अंदर 21,00,000 किसानों को केसीसी से जोड़ा है और उनको लाभ दिया। आज इस कार्य को ध्यान में रखकर 22 जिला 226 प्रखंड को चिन्हित किया गया है, ये शिविर का काम खत्म होगा, फिर से पंचायत में शिविर लगेगा और 31,00,000 किसानों का फिर से चयन होगा और उनको 3,500 रुपया।